धमपद बताते समय या धमकी बातें बताते समय बहुत बार अलग अलग तरह के नाम लिए जाएंगे जो भग्नवान बुद्ध के हैं। भग्नवान भी है यानी जिन्होंने राग द्वेष मोह मूर्ता को भग्न किया, भंगवान भी है यानी कि जो राग द्वेष मोह मूर्ता को भग्न किया, भगनवान भी है, भागवान भी है। भागवान का मतलब है जिनके पास सारी एनर्जी के भाग थे या सारे हिस्से उनके पास थे जो उनकी एजुकेशन थी, भागवान भी है। और भगवान जो शब्द है वो इन्हीं शब्दों से मिला हुआ है मगर प्रचलित है, इसलिए भगवान बोलते हैं, चमत्कारिक नहीं है। भगवंतु भी बोलते हैं यानी कि भग्नवंतु भी है और भंगवंतु भी है। पाली में अगर जैसे धन कोई रखता है तो उसको धनवंतु बोलते हैं, ऐसे ही जो भग्न करने की पावर रखता है, जिसने भग्न किया है उसको भग्नवंतु बोलते हैं या भागवंतु भी बोलते हैं, यानी कि जिसने बहुत ज़्यादा हिस्से अपने प्राप्त कर लिए हैं, और सौ भागवंतु भी बोलते हैं या सौ भाग वाला भी बोलते हैं। भगवान भी बोलते हैं, भगवा भी बोलते हैं, भगवा उन्हीं के कलर से पड़ा है, भववा भी बोलते हैं, भववंतु भी बोलते हैं। भव का मतलब है जिन्होंने भव को जान लिया है, भव को जानने वाले, भव का मतलब है जो जीवन चक्र है उसको जानने वाले, भव चक्र को जानने वाले। तो भववा है, भववंतु है, भगवान है, भागवान है, सौभागवान है, भग्नवान है, भंगी है, भगवंतु है, भगवान है, भगो है, भगवान, सारे के सारे नाम भगवान बुद्ध के हैं, बुद्ध के ही हैं, बुद्ध का ही ये सारा काम है, इसलिए आप कन्फ्यूजन ना हो। और कोई भी नाम अगर मैं इसमें लेता हूँ तो वो चमत्कारिक नहीं है, ये बात ध्यान रखना, चमत्कार कहीं नहीं है। बुद्ध की किसी भी साहित्य में लेस मात्र भी ऐसा नहीं है कि ओम छू कहा और जो मन में वो पूरा हो गया। यहाँ तक कि जो उनके भाई थे, आनंद थे, जो उनके कजिन थे, जो जीवन भर उनके साथ रहे और सारे संघ के सबसे अच्छे मैनेजर थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, सारे देखभाल करते थे, वो भी बिना मेहनत किए हुए अर्हत नहीं हुए। वो बुद्ध के मरने के 3 महीने बाद बहुत हार्ड वर्क किया तब जाके अर्हत हुए। और भंगी बुद्ध ने ये कहा उनको, आनंद मेहनत करो, आनंद मेहनत करो, आनंद मेहनत करो, मगर आनंद ऐसे ले जाते थे। और उनके साथ जो उनका सर्वेंट था यानी कि जो घोड़ा चला के आया था, छन्न आया था, छन्न को तो बाद में उन्होंने दंड भी दिया, ब्रह्मदंड भी दिया, क्योंकि वो बड़ा नालायक था, मेहनत नहीं करता था। और मरते हुए भी आखिरी उपदेश उन्होंने यही कहा कि मैं जा रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ऐ प्रमादी बन के और अपने काम में लगो, यही बुद्ध के लिए आपकी श्रद्धा है और यही बुद्ध के लिए आपकी मेहनत है और यही बुद्ध की पूजा है कि आप अपनी मेहनत करते रहें और आप लगातार ऐ प्रमादी होके ध्यान में साधना में करके और इसको सीखते रहें, राग द्वेष से मुक्त होते रहें। इसलिए कोई भी नाम अगर बुद्ध का आता है तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, बहुत सारे नाम हैं उनके और सारे नाम उनके हैं। धन्यवाद।